का टॉपिक है और टॉपिक का नाम दिया है, टॉपिक का नाम है लिस्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। मतलब यूनेस्को में जितने भी साइट्स हैं आपकी, जितनी भी आपकी साइट्स आ रही हैं यूनेस्को के अंदर, वो सब हम साइट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी साइट्स हैं ऐसी। चीज़ तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, काजीरंगा पार्क कहाँ पे है ये? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में आपका, ठीक है। असम में और कौन कौन से पार्क हैं? तो असम में मैं आपको बता दूँ, एक है नामेरी। दो चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? असम में है। और दूसरा चीज़ आपका मैंग्रोव एरिया ऑफ बंगाल, ये याद रखना। ये जो मैंग्रोव एरिया है ये कहाँ पे है? बंगाल में, जिसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरबन के नाम से, ठीक है। तो मैं बता दूँ, दूसरा आपकी बात कर लें केवला देवघाना नेशनल पार्क की, तो ये केवला देवघाना नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अब हम बात कर लें तीसरे नंबर पार्क की, जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए आप सोचते होंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से उठता है। अक्सर वो लोग ऐसे ही धरोहर को बोलते हैं जहाँ पे यूनेस्को ने जहाँ पे बोला है कि हाँ भाई ये सब मतलब यूनेस्को के उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फिर चौथे की बात करूँ मैं, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये नंदा देवी नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर्स बोले, ये दोनों के दोनों क्या हैं? उत्तराखंड में है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स बोले या, और आप याद रखें उत्तराखंड में ही आपका एक और पूछा जाता है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पांचवा मैं जिसकी बात कर रहा था अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदरबन बताया था मैंने, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। अब हम बात करें छठवें की, छठवां कौन सा है? वेस्टर्न घाट। ये आपका कहाँ? वेस्टर्न घाट इन द सिंपल सेंस की ये जो आपका एरिया इंडिया ऐसे है कुछ, तो इंडिया का जो ये वाला एरिया होता है इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं और इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, गोवा में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, तमिलनाडु, केरला, आपको पता होगा यहाँ पे महाराष्ट्र आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र से बिल्कुल अटैच करके यहाँ पे गोवा है। फिर उसके बाद में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट का आपका कर्नाटका है, फिर यहाँ पे बगल में आपका केरला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ऐसे करके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है आपका ऐसे करके कुछ, और केरला मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं आगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिमालय नेशनल पार्क, हिमालय नेशनल पार्क, ये आपका जो हिमालय नेशनल पार्क है ये कहाँ पे? ये सेवंथ है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कई बार पूछा जाता है, हालांकि ये नहीं आता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पर हाँ पूछ भी सकता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप मैप में देखेंगे, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये देखिए मैप आ गया। मैप में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका बिल्कुल, यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। यहाँ पे हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े, और इसके नीचे है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड। ये जो पीला वाला एरिया आप देख रहे हैं ये कौन सा एरिया है? ये है आपका उत्तराखंड है, क्या है? यूके, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में आपके कौन कौन से एरिया हमने पढ़े, तो उत्तराखंड के में आपका कौन कौन सा है? एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको पता ही होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा अभी हमने पढ़ा कौन सा? उत्तराखंड में हमने पढ़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगरा फोर्ट के बारे में, आगरा फोर्ट अजंता किल्स। आगरा फोर्ट आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सबको पता होगा कि जो आपका आगरा है वो कहाँ पड़ता है? वो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बात करें अजंता केव की, तो अजंता केव्स कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ता है। बुद्धिस्ट मोनूमेंट की बात करें तो ये एट सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें चंपारण चंपानार पवाड़गढ़ पार्क, ये कहाँ है? गुजरात में। सिंपल सी बात है, गुजरात में चंपारण जो चंपारण आपने पता होगा कि गांधी जी जो थे चंपारण के ही रहने वाले थे, ठीक है। चंपारण तो चंपारण
में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सबको पता है, महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। छठवां बात करें हम चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ठीक है, ये गोवा में है। एलिफेंटा केव्स ये महाराष्ट्र में है, याद रखिए। एलिफेंटा के साथ साथ अभी हमने पढ़ा अजंता केव्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो टाइप के केव्स थे, एक तो अजंता है बहुत फेमस है ये, और दूसरा जो है वो है एलोरा, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि अजंता और एलोरा ये दोनों फेमस हैं, ठीक है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। मैं ये दोनों आपको बता दिया, अजंता और एलोरा, कई बार पूछा जा सकता है, छोटे बच्चे उनके लिए भी बहुत जरूरी। फिर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी की, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पता ही होगा आपको। फिर मैं 10th नंबर पर बात करूँ तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। चोलाओं के जो राजा थे उनके जितने भी टेम्पल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपके, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं और बात करूँ तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, अब हम्पी की बात करें, ठीक है, तो हम्पी याद रखना है, हम्पी कहाँ पड़ता है, हम्पी आपका पड़ता है कर्नाटका में, कर्नाटका में, मैंने फिर बताया था कर्नाटका कहाँ है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि ये डायग्राम जो है ना, आपको अगर आप डायग्राम याद कर लोगे कि कर्नाटका कहीं यहाँ पड़ता है और यहीं पर एक हम्पी नाम है, क्या है, हम्पी है, तो फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये आपको कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो मैं बात करूँ महाबलीपुरम की, तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कई बार महाबलीपुरम मंदिर भी पूछा जा सकता है, हालांकि मंदिर ये है पर मोनूमेंट्स के नाम से दे रखा है। तो महाबलीपुरम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए महाबलीपुरम कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ आगे, तो आगे है ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट पट्टाडकल, पट्टाडकल तो ये कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, ग्रुप ऑफ पट्टाडकल ये कहाँ है, कर्नाटका में आपका। फिर मैं बात करूँ हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान, ये देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है, फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से बताया जा रहा है हमें। तो देखिए ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पट्टाडकल तो ये कहाँ है, कर्नाटका, 1987, इससे मतलब नहीं है मैं, ठीक है, पर ये याद रखना ग्रुप ऑफ पट्टाडकल ये कहाँ है, कर्नाटका में, हिल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। तो सिंपल सी बात है, हिल एरियाज जो है, जो हिली एरियाज हैं उनके बारे में बता रहा है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ का किला आपने कई बार सुना होगा, बुधैया जगह है पूरी, और ये रणथंभौर हो गया, रणथंभौर सिरिस्का, ये सब कहाँ है आपके, ये सब आपके टोटल राजस्थान में है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ हुमायूं टॉम की, तो हुमायूं टॉम कहाँ है आपका, हुमायूं टॉम आपका दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम्स को रोक देते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो गलत नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हुमायूं टॉम की, तो आपको पता होगा कि हुमायूं टॉम और अगर हुमायूं नामा की बात करें तो इनकी जो बहन थी उन्होंने इनका ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। तो मैं बात करूँ हुमायूं नामा ये इनकी बहन ने लिखा था, बहन का नाम नहीं आधार मुझे, मेरी बहुत बीच के अंदर। तो हुमायूं टॉम की बात करूँ तो ये दिल्ली में है। फिर मैं बात करूँ खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट, तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खजुराहो, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट। राजा भोज की बात करें तो ये भी कहाँ है, राजा भोज कई बार पूछा जाता है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। फिर मैं बात करूँ 17 महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कई बार पूछा गया है, देखो दोस्तों महाबोधि आप सोचते होंगे कहाँ से पूछा जाता है, तो ये सब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसलिए इनको बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, वो आपका टेस्ट करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो महाबोधि की बात करूँ मैं अगर, इसकी महाबोधि की, तो ये महाबोधि कहाँ से है, ये महाबोधि आपका है, महाबोधि कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ये आपका बिहार में है महाबोधि। और बोध गया भी आपकी बात करें, बोध गया तो इसी महाबोधि के नाम से याद रखिए कि बोध गया या महाबोधि दोनों एक जैसे कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाबोधि और बोध गया दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बात करता हूँ अगर यहाँ पे, तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहूँगा इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बात करूँ कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। फिर मैं बोलूँ रानी की वान द क्वीन स्टेपवेल एट पटना गुजरात, तो ये कहाँ है, गुजरात में, रानी की वान द क्वीन स्टेपवेल एट गुजरात। फिर मैं बात करूँ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ है आपका, दिल्ली में। फिर मैं बात करूँ
अच्छा आपको रानी की वन, अब ये जो कुछ चीजें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा सकता है रानी की वन कहाँ है। तो रानी की वन कहाँ है आपका, गुजरात में, ठीक है। फिर मैं बताऊँ रॉक सबसे, भीम बेटिका की गुफाएं, आपको पता होगा भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। फिर मैं बात करूँ सन टेम्पल एट कोणार्क, ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में पड़ता है सन टेम्पल। देखिए कहीं कहाँ से पूछेगा वो, इसी में से तो पूछेगा, सन टेम्पल कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, ठीक है। ये रहा आपका उड़ीसा, उड़ीसा की बात करूँ तो कहाँ है, अगर उड़ीसा की बात करूँ तो ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ उड़ीसा की तो ये यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ ताजमहल की, ताजमहल तो ताजमहल भी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में। ये तो पता ही होगा सबको, आगरा में है, जिसको नहीं पता वो तैयारी करना शुरू कर दे। फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ महावीरा, नालंदा यूनिवर्सिटी एट बिहार, आपको पता होगा महावीरा। तो दो चीज़ें, एक तो आपकी कौन सी, एक तो आपकी बोध गया, क्या, एक आपकी बोध गया, एक आपकी बोध गया कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। महाबोधि, महाबोधि, महाबोधि की बात करूं तो ये भी आपका कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। कहाँ पे है, बिहार में है। अब मैं तीसरी बात करूँ अगर महावीरा, तो आपने, आपको पता होगा कि बोध गया में ही महावीरा मतलब एक हिसाब से महात्मा, महात्मा बुद्ध जो थे उन्हीं के ये कोई शिष्य वगैरह थे, तो इनको क्या कहा जाता है, ये भी कहाँ पे, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। अब मैं बात करूँ द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ड्यूबोस एट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इतना जरूरत नहीं है, इतना पॉइंट पूछा जाता है। हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी इतना नहीं पूछा जा सकता है। अच्छा हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मुंबई विक्टोरिया एट डेक्कन स्टैंडर्ड, ये कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। अच्छा हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ विक्टोरिया पैलेस की, अगर मैं बात करूँ विक्टोरिया पैलेस की, तो ये मुंबई में नहीं है, ये याद रखना आपको। ये जो विक्टोरिया पैलेस है ये आपका पड़ता है बंगाल में। कहाँ पड़ता है, बंगाल में। ऑप्शन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए देगा, ये मेमोरियल आर्ट डेकोरेटेड असेंबलीज है ये, ठीक है। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि विक्टोरिया पैलेस कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा मुंबई, आप कट से मुंबई मार दोगे क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है। और कई बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये याद रखना है कि विक्टोरिया पैलेस अगर आ गया, विक्टोरिया पैलेस याद रखना, पैलेस अगर आया तो आपको क्या मानना है, बंगाल मानना है। फिर मैं बात करूँ अगर जयपुर सिटी की, तो जयपुर सिटी आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। ये तो पता होगा, जयपुर सिटी को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जब एक कोई फॉरेनर था जो मतलब अतिथि के रूप में वो यहाँ पे आ रहा था जयपुर में, तो कोई राजा थे वहाँ के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो उन्होंने इस पूरी अपनी जयपुर की सिटी को क्या किया था, पिंक कलर का पूरा रंगवा दिया था, और तब से इसका नाम क्या रखा जाता है, पिंक सिटी के नाम से आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये मेरी एक और बच गया है, ये मेरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिक्किम में, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, क्या, साइलेंट वैली, ये दोनों कई बार पूछे जाते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, आप आसाम मत मार के आ जाना, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये याद रखिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में दो पार्क हैं आपके, कौन कौन से, सिक्किम में आपके दो पार्क हैं। पहला, पहले की बात करूं मैं तो पहला कौन सा है, पहला आपका पड़ेगा फ्रेंड्स, पहला आपका कौन सा पड़ेगा, पहला अगर बात करें तो कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा, डोंट प्लीज डोंट बोदर अबाउट द स्पेलिंग्स, कंचनजंगा, ठीक है। और दूसरे की मैं बात करूँ तो दूसरे की बात करूँगा तो वो कौन सा है, वो है साइलेंट वैली, ठीक है। एक है साइलेंट वैली और दूसरा जो है वो है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि साइलिकॉन, सिलिकॉन वैली मतलब ये सिल्क से रिलेटेड नहीं है, ये ट्रांजिस्टर और मतलब ऐसे सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन मटेरियल से रिलेटेड है। तो ये आपका बेंगलोर है, अगर मैं बात करूँ उसकी तो ये कहाँ पड़ता है, आपका बेंगलोर में पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा वीडियो था आज का, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी भी अगर नया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड बाय, योर ड्रीम्स, ठीक है। नमेरी है, नमेरी के बाद आपका